तो क्या गाइस, आज की वीडियो मुझे ये वाली सुपर पावर कार अपनी इंडियन बाइक्स यानी गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। ओ भाई, तो यस गाइस, हो सकता है आज की वीडियो में मुझे ये वाली सुपर पावर कार देखने को मिले, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी हम मिथबस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले मिथ की तरफ। मिथ, हम ज़ोंबी को स्नाइपर से वन हिट में ही मार सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्नाइपर, डन। एंड यहाँ पे मेरे सामने ही ज़ोंबी है तो इसको मैं टोकता हूँ एंड डन। अबे नहीं लगी। और एंड मैं फिर से मारता हूँ एंड डन। यहाँ पर वन शॉट पे ही हमारा खल्लास हो चुका है ज़ोंबी। मैं दूसरे पे भी ट्राई करता हूँ, यहाँ पे किधर गया ये रहा ना, इस पे मारता हूँ एंड यहाँ पे खल्लास किया। एक सेकेंड, शायद पहली नहीं लगी थी, फिर से ट्राई करते हैं। एंड यस, यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका है। एंड ये लास्ट है, एंड वन हिट। अबे भाई, यहाँ तो मैं स्नाइपर से चूक रहा हूँ या फिर ये वन हिट में नहीं मर रहा है। बट यस, यहाँ पर अब ये मर गया है, उससे मेरा क्या फायदा। अब देखो, एक दो ज़ोंबी तो पहले हिट में ही क्लियर हो चुके थे, बट कोई ज़ोंबी दो तीन चार हिट पे क्लियर हुआ है। फिर भी ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ फर्स्ट, यू हैव टू स्पॉन अ टैंक एंड डायनासोर, यू हैव टू गो ऑन डायनासोर, पुश द टैंक विद फुल स्पीड एंड सी मैजिक। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मंगा लेता हूँ टैंक को, जिसका चीट कोड है 40-40। यहाँ पे हमारी टैंक आ चुकी है, इसके साथ ही एक हमें डायनासोर मंगवाना है, मतलब साथ में नहीं मंगवाना है बट हाँ मंगवाना है। तो यहाँ पे डायनासोर का चीट कोड है आई थिंक 50-50। एंड यस, यहाँ पे डायनासोर का चीट कोड है 50-50। अब इसको थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं, क्योंकि डायनासोर को हमें फुल स्पीड में ले आना है और यहाँ पे हमें टैंक पे ठोक देना है, तो होगा मैजिक, देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे अब मैं वापस ले लेता हूँ एंड सीधा स्पीड में चलते हैं एंड टैंक को ठोकते हैं। एंड यहाँ पर मैं फुल रेडी हूँ एंड डन, यहाँ पे स्पीड में लेके चलते हैं एंड डन डन डन। अब देखते हैं क्या होता है। एंड वेट एंड एक सेकेंड, आई थिंक मेरा जो डायनासोर है वो लिटरली टैंक में फंस चुका है। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई। एक सेकेंड, मैं उतर के देखता हूँ एंड यहाँ पर यस, यहाँ पे हमारा डायनासोर लिटरली टैंक के अंदर फंस चुका है, ये चेक करो। और भाई वेट, यहाँ पर मुझे टैंक को कंट्रोल करने के ऑप्शंस भी शो नहीं हो रहे। ये क्रेजी था भाई, मेरा सारा का सारा डायनासोर टैंक के अंदर ही फंस गया। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, आप अगर स्विमिंग के लिए लगाओगे तो आप फोन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप स्विमिंग करते हुए भी फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Thanks. सबसे पहले यहाँ पर मैं कर लेता हूँ स्विमिंग ग्लिच, जिसके लिए मुझे अपनी कार को अंदर ले जाना पड़ेगा। अभी तक नहीं होगा, थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा, जैसे कि कार हमारी छुप जाए तभी हमारा बंदा स्विमिंग करेगा। डन, अब बस यहाँ पर ये स्विमिंग कर ले तभी हमारा ग्लिच हो जाएगा। एंड डन, यहाँ पे इसने स्विमिंग कर ली, मैं बैठ जाता हूँ एंड अब ग्लिच हो जाएगा। ओके, मैं बैठ जाता हूँ एंड यहाँ पर यस, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मुक्के का ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब ग्लिच हो चुका है। फटाफट से अपनी कार को बाहर ले चलते हैं एंड देखते हैं हमारा ग्लिच हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली हुआ होगा। यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ, अपने बंदे को उतारता हूँ एंड देखते हैं क्या ये स्विमिंग बाइक करना चाहिए। स्विमिंग यस, यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, मतलब ग्लिच हो चुका है। बट यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा बंदा यहाँ पे मोबाइल नहीं कर रहा चूज, मतलब उसको नहीं ले पा रहा। तो अब मैं सबसे पहले तो स्विमिंग ग्लिच को डीएक्टिवेट करता हूँ एंड डन, यहाँ पे स्विमिंग ग्लिच डीएक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अपने मोबाइल को निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मोबाइल को उठा पा रहा हूँ, बट अब फिर से स्विमिंग करने चलते हैं। अब देखते हैं क्या हम स्विमिंग करते हुए अपने मोबाइल को नहीं ले पाते हैं, जैसे कि स्विमिंग ग्लिच करने के बाद हम मोबाइल को नहीं ले पा रहे थे। एंड यहाँ पर यस, जैसे कि मैं स्विमिंग ग्लिच करने के बाद अपने मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वैसे स्विमिंग करते मैं अपने मोबाइल को नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, स्टिकी मैन बनकर गोस्ट राइडर बाइक को चला सकते हैं। भाई तुम लोग को नॉर्मल मिथ लग रहा होगा, बट ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि गोस्ट राइडर बाइक में आग होती है और स्टिकी मैन बनेंगे तो भाई स्टिकी फोड़ भी सकता है। तो भाई अब देखते हैं क्या हम लोग स्टिकी मैन बन के भी फिर भी गोस्ट राइडर बाइक को चला सकते हैं। भाई लिटरली मजा आने वाला है। तो इन्फिनिटी हेल्थ मैंने लगा लिए, अब यहाँ पे मुझे काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी मैं रख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स को लगा लिया, अब मुझे इसके ऊपर खड़ना है स्टिकी मैन बनने के लिए। एंड यहाँ पे इसका फाल का चीट को डायल करना है, क्योंकि यही तरीका है स्टिकी मैन बनने का। सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगाओ, फिर जमीन पे स्टिकी बॉम्ब्स को फेंको और 1120 डायल करके इसका फाल लगाओ। अब देखना, ये सारा मेथड करने के बाद यहाँ मैंने इसका फाल का चीट कोड लगाया। अब जैसे ही गिरूंगा यहाँ पर मैं स्टिकी मैन बन जाऊंगा। डन, तो अब मैं फाइनली स्टिकी मैन बन चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं एक गोस्ट राइडर बाइक को मंगाता हूँ एंड भाई मुझे तो लगता है ये सारे के सारे बॉम्ब्स है ना भाई, फटने वाले। तो चलो भाई, यहाँ पर मैं सबसे पहले 4x5 डायल करके गोस्ट राइडर बाइक को मंगाता हूँ। डन, एंड बैठते हैं भाई, लगता है स्टिकी बॉम्ब्स फटने वाले। एंड वेट लिटरली भाई ये अपने आप ही चल रहा है, मैं अभी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा, लिटरली अपने आप चल रहा है। और भाई अगर मैं चलाने वाले पे क्लिक करूं तो क्या होता है, चलो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। एंड वेट भाई, ये उड़ रहा है, लिटरली उड़ भी रहा है और जमीन में भी चला जा रहा है। और भाई ये क्या हो रहा है, लिटरली गोस्ट राइडर बाइक। आज भाई ये सब करके गोस्ट राइडर को उसकी औकात दिखा दी।
अमेजिंग मिथ, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, कार स्पोर करके गन लो, फायर एंड ड्राइव सेम टाइम क्लिक करो, कार से निकलो, लाइट वाला ग्लिच हो जाएगा, फिर एनपीसी पे जाकर स्कोप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक फायर करेगी। ओके, यहाँ पर मैंने एक कार मंगा ली है फॉर्चुनर को, अब गन लेता हूँ, फायर करते करते मुझे बैठने वाले उसमें क्लिक करना है, डन डन हो गया। यहाँ पर मैं फायर करते करते अपने गाड़ी को जो बैठने वाला है उस पर क्लिक कर लिया है, अब उतरते हैं एंड देखते हैं क्या हमारा ग्लिच हुआ है कि नहीं। ओके, अब मुझे फिर से गन उठानी पड़ेगी, यहाँ पे मैं गन उठा लेता हूँ एंड यहाँ पे ये हमारी लाइट वाला ग्लिच हो चुका है गन के साथ, और वेट ये अपने आप फायर भी कर रही है, ये चेक करो मैंने एनपीसी पे लगाया और अपने आप फायर कर रहा है, मैं अभी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा, ये तो भाई क्रेजी है, मेरी गन अपने आप ही चल रही है और ऑटोमेटिक हो चुकी है सारी की सारी। तो ये वाला मिथ ऑब्वियसली कंफर्म्ड है। मिथ, अगर हम लोग गोस्ट बाइक और ट्रेन को बीच में बैठेंगे तो हो जा मैजिक, उससे मेरा क्या फायदा। यहाँ पर मैं मंगा लेता हूँ एक चार बार पांच बार डायल करके गोस्ट राइड बाइक को, इसके साथ मिला लेता हूँ, डन एंड दोनों ऑप्शन आएंगे तो हमें बैठ जाना है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, मैं बैठ जाता हूँ एंड देखते, वेट एक सेकेंड, ये मेरे बंदे को क्या हो चुका है लिटरली, भाई ये कैसे पैर देखो मेरे बंदे के और कैसे खड़ा हुआ है, भाई मतलब ट्रेन तो नहीं चल रही है लेकिन एक सेकंड मेरे बंदे को तो देखो ये कैसे ओढ़ पा रहा है, और एक सेकंड शायद ये उड़ने वाली है, वेट ये उड़ेगी तो नहीं, एंड वेट वेट, ये आई थिंक मेरी गोस्ट राइडर बाइक उड़ रही है एंड ये सच्ची में उड़ रही है, भाई लिटरली में मेरी गोस्ट राइडर बाइक उड़ रही है और मेरे बंदे को तो भाई कुछ परवाह ही नहीं है, उसको तो कुछ टेंशन ही नहीं है। तो यस गाइस, ये वाला मिथ ऑब्वियसली कंफर्म्ड है। मिथ, टैंक के ऊपर एक और गन है, प्लीज टेक माय मिथ। ओके भाई ऑब्वियसली, यहाँ पर मैं एक मंगा लेता हूँ टैंक को जिसका जीट कोड है आई थिंक 4040 एंड यस यहाँ पे 4040 डायल करती आज को टैंक एंड वे आई थिंक इसके ऊपर गन है, यस यहाँ से मुझे दिख रही है लिटरली, मैं बैठ जाता हूँ फिर अच्छे से दिखेगी, बट अभी दिख रही है गाइस आर्मी टैंक के ऊपर गन है, बट दो है भाई, एक नहीं है दो गन से एंड लिटरली भाई, वैसे तो हम इनसे फायर नहीं कर सकते क्योंकि फायर तो मेन से ही होता है, बट शायद हो सकता है आगे चल के ये जो ऊपर दो गन से इनसे भी हम फायर कर सके, भाई हो सकता है, पर अभी आप लोगों ने भी देखा होगा अगर आप लोग ये गेम खेलते हो तो मेन से फायर कर पाते हैं बट जो ऊपर जो है ना इनसे फायर नहीं कर पाते, तो ये वाला मिथ भी कन्फर्म्ड है। मिथ, 3000 चीट कोड वाली बाइक पर आरजीबी कलर नहीं लगता। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3000 डायल कर लिया है एंड यहाँ पे मुझे मिली है कवासकी निंजा S2R जो कि मेरी फेवरेट बाइक है एंड देखते हैं कि हम इसका आरजीबी भी कर सकते हैं कि नहीं एंड यहाँ पे इसका येलो तो हुआ है, डन भाई ये कलर हुआ है तो आई थिंक सभी कलर हो ही जाएंगे, यहाँ पे मैं ग्रीन करता हूँ, ग्रीन भी हुआ है, ब्लू भी हुआ है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है, आई थिंक भाई आरजीबी भी हो जाएगा, मैं आरजीबी करता हूँ एंड यस यहाँ पे इसका आरजीबी हो चुका है, भाई यहाँ पे इसका आरजीबी हो चुका है, बट मिथ में था कि आरजीबी नहीं होगा तो ये वाला मिथ बस्ट है, और इसकी तो मेरे से एक्सीडेंट करता है, अबे कौन है वे तू? अरे भाई मैं तो अपनी कार लेके आ रहा था, तूने आगे पीछे से बाइक ठोकी है। अच्छा मतलब तू मेरे से अब ऐसे बात करेगा, बेटा तू रुक मैं तो गोली मारूंगा। अरे नहीं भाई यार प्लीज प्लीज यार, नहीं तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, तूने आगे मेरे से एक्सीडेंट किया है? नहीं पता नहीं है कौन हो तुम? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ, तुझे पता है? अरे लेकिन वो तो मैं हूँ, भाग जाता हूँ वो ही अच्छा रहेगा। मिथ, टार्जन कार के आगे वाले बाउंड को तोड़ोगे तो उसमें डिग्गी होती है, चलो इसको ट्राई करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं मेगा रैंप पे क्यों आया हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे गाड़ियों को तोड़ना इजी होता है। यहाँ पर मैं 300 डायल करके टार्जन कार को मंगा लेता हूँ, लेट्स गो, यहाँ से एक जंप करवाएंगे भाई, आगे पीछे सारी की टूट जाएगी, लेट्स गो। मैं टार्जन कार के अंदर बैठ चुका हूँ एंड यहाँ पर इससे ही जंप करवाएंगे, काम हो जाएगा मुझे तो लगता है भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से गाड़ियां टूट ही जाती है, तो यहाँ पर जंप कराता हूँ एंड डन। यहाँ पे भाई सामने वाली डिग्गी गई एंड यस, अगर आप लोग गौर से देखो तो सामने भाई कुछ भी नहीं है इसके, ना तो इंजन है ना तो कुछ भी नहीं, डिगी है यहाँ सामने भी, एंड भाई आप लोगों ने देख ली होगी बट यहाँ पर रुक जा अबे यार ये तो रुक भी नहीं रही है, बढ़िया सामने से दिख रहा है भाई खाली है, डिगी है लिटरली, तो ऑब्वियसली ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। गाइज आज के लिए कुछ इतनी मिस थे जो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताए थे एंड उनमें से काफी सारे मिस ऐसे थे जो कंफर्म थे एंड काफी सारे मिस ऐसे थे जो बस्ट थे, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हाँ कॉमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे मिस जरूर बता देना, बट अगर आप लोगों को कोई भी मिस नहीं आते इस गेम के तो आप लोग मुझे चीट कोड्स भी बता सकते हो, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में चीट कोड्स को भी ट्राई करता हूं, तो अगर आप लोगों को मिस आते तो मिस बता देना और अगर मिस नहीं आते तो चीट कोड्स भी बता देना, दोनों ट्राई करूंगा, बाकी जरूर बताना यार, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट जितने बंदे देख
देख रहे हैं उनमें से कुछ ही बंदे हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे अच्छे मिस बता रहे हैं, बाकी नहीं बता रहे, तो प्लीज बता देना। और एक बात और यार, मिस तुम लोग ऐसे बताना जो कि मैंने आज तक ट्राई ना किया हो भाई, जो नेक्स्ट लेवल मिस है जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो वो वाले खतरनाक मिस बताना जिनको भाई मैं ट्राई करूं तो मेरा लिटरली दिमाग उड़ जाए। बाकी यार जो जो बंदे भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, एंड तक पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक जिन जिन बंदों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।